कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जब एक सोवियत ऑफिसर ने दो छोटे छोटे पिल्ले एक टैंक के नीचे फेंक दिए। जब पिल्लों की मां ने यह देखा तो वह तुरंत रस्सी छुड़ाकर अपने पिल्लों के पीछे भागी। असल में उस अफसर के ऐसा करने के पीछे एक कारण था, वह अपनी फौज के कुत्तों को दुश्मन यानी जर्मनी के टैंक्स को तबाह करना सिखाना चाहता था। पर इस घटना से कई कुत्तों के मालिक बहुत नाराज हो गए। जो लोग अपने कुत्तों को साथ लाए थे वह इस जगह से जाने लगे, पर अचानक सोवियत ऑफिसर ने हवा में गोलियां चलाकर सबको धमकी दी कि जो भी अपने कुत्ते को फौज में नहीं भेजेगा वो अपने कुत्ते की जगह खुद फौज में भर्ती होकर जंग में हिस्सा लेगा। इसके बाद वहां कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहां उन्हें काफी देर तक भूखा रखने के बाद टैंक्स के नीचे खाना दिया जाता था। ये कुत्ते टैंक्स के इंजन की डरावनी आवाजों से डरते थे, इसीलिए उनके सामने दिन रात टैंक चालू रखे जाते ताकि कुत्तों के मन से डर पूरी तरह निकल जाए। इसी के साथ उनके मालिकों को भी भागकर टैंक्स के नीचे जाने को कहा गया ताकि कुत्ते पूरी तरह से निडर हो जाएं। इस कड़ी ट्रेनिंग का मकसद सभी कुत्तों पर बॉम्बस बांधकर उन्हें टैंक्स के नीचे भागने के लिए तैयार करना था। उस समय वहां वोल्कोव नाम का एक आदमी भी था जो अपने कुत्ते प्रिंस से इतना प्यार करता था कि उसे यूं ही कुर्बान नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने प्रिंस के साथ यहां से भाग जाने का फैसला किया, पर जल्द ही उसे उसके कैप्टन ने देख लिया। कैप्टन ने उसे वार्निंग दी कि अगर उसने फौज से गद्दारी की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अब वोल्कोव का भागने का प्लान चौपट हो चुका था, इसलिए उसने अपना जख्मी होने का सर्टिफिकेट दिखाकर अपने और प्रिंस के लिए रिटायरमेंट की अर्जी डाल दी। साथ ही उसने प्रिंस की जगह खुद जंग में जाने की बात कही। वोल्कोव अपने प्यारे प्रिंस के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार था, और उसके लिए प्रिंस की क्या अहमियत थी यह कोई और नहीं समझ सकता था। असल में पहले वोल्कोव फौज में एक पायलट हुआ करता था, और जख्मी होने के बाद उसे जंगल में रेंजर के तौर पर तैनात कर दिया गया। एक दिन जंगल में उसने एक कुत्ते को दो भेड़ियों से बचाया और उसका नाम प्रिंस रखा, मगर वो नहीं जानता था कि यह मामूली सा कुत्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। फिर एक दिन वोल्कोव हंटिंग राइफल लेकर जंगल की रखवाली कर रहा था कि अचानक से उस पर एक जर्मन जासूस ने हमला कर दिया। जासूस ने उसे चाकू दिखाकर पेड़ पर धक्का दे दिया, लेकिन तभी ऐन वक्त पर प्रिंस दौड़ता हुआ आया और उसने जासूस की बाजू पर ही काट लिया। फिर वल्क ने अपनी बंदूक उठाई और उस जासूस को बंदी बनाकर फौज के हवाले कर दिया। तो प्रिंस ने वोल्कोव की जान तो बचाई ही, साथ ही उसे फौज में सम्मान भी दिलवाया। उस दिन के बाद वोल्कोव और प्रिंस काफी अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों एक साथ खाना खाते, सोते और खेलते थे। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई, पर जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो जर्मन दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने के लिए वोल्कोव प्रिंस के साथ मिलिट्री में शामिल हो गया। वो अब भी जख्मी था, इसीलिए उसे कैंप ड्यूटीज, डॉक्टर की मदद करना, इस तरह के काम दिए जाते। एक दिन वो डॉक्टर के साथ बातचीत ही कर रहा था कि अचानक एक जर्मन बॉम्बर ने वहां हमला कर दिया। उनके काफी कैंप्स तबाह हो गए, पर वोल्कोव खुशकिस्मती से बच निकला। उसने जख्मी सैनिकों को उठाकर ट्रक्स में भेजने का काम किया, फिर उसने खुद ट्रक के नीचे छिपकर दुश्मनों पर गोलियां चलाई। हालांकि वह काफी समय से जंग के मैदान से दूर था, लेकिन आज भी उसका निशाना एकदम सटीक था। उसने अकेले ही जर्मन जासूसों को लोहे के चने चपवा दिए, पर अचानक उसके ट्रक पर एक मिसाइल आ गिरी और इसके धमाके से वोल्कोव बेहोश होकर गिर गया। वोल्कोव को लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, पर अचानक प्रिंस भागते हुए एक मेडिकल गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पहले तो उस गाड़ी में बैठे डॉक्टर्स ने प्रिंस को पहचाना नहीं, पर फिर नर्स नीना ने प्रिंस के साथ चलकर देखने का फैसला किया। प्रिंस दौड़ता हुआ नीना को वोल्कोव के पास ले आया और इस तरह एक बार फिर से वोल्कोव की जान बच गई, पर बदकिस्मती से वोल्कोव की टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर्स को उसकी टांग काटनी पड़ी। वहीं प्रिंस ने काफी फौजियों से दोस्ती कर ली थी। हर कोई प्रिंस की बहादुरी और अपने मालिक की तरफ उसकी वफादारी को देखकर हैरान था। वहीं नीना भी वलक जैसे एक बहादुर फौजी की कहानी सुनकर उसके प्यार में पड़ गई। जल्द ही वोल्कोव की हालत सुधरी और वह बैसाखियों के सहारे चलने लगा। वहीं सोवियत यूनियन की फौज जर्मन फौज के टैंक्स के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। आज एक बार फिर से उसके देश पर मुसीबत की खड़ी आई थी, इसलिए वोल्कोव ने एक बार फिर से प्रिंस के साथ फौज में शामिल होने का फैसला किया, पर उसे सीधा जंग में भेजने की बजाय मिलिट्री के कुत्तों की ट्रेनिंग बेस पर भेज दिया गया। इस बार वो वोल्कोव के साथ साथ प्रिंस की भी कुर्बानी चाहते थे। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद प्रिंस को बॉम्ब ढूंढने या जासूसों का पता लगाने की ड्यूटी नहीं दी गई, बल्कि अफसरों ने उसे दुश्मन टैंक्स को तबाह करने वाले कुत्तों की खास ट्रेनिंग में भेज दिया। सोवियत यूनियन जर्मनी की आधुनिक फौज का मुकाबला करने जा रहा था, इसलिए उन्होंने पुराने तरीकों से टैंक्स को तबाह करने का फैसला किया। पहले इंसानों को बॉम्ब्स देकर टैंक्स को तबाह करने भेजा जाता था, पर सीधी सी बात है कि इंसान कुत्तों के मुकाबले धीरे दौड़ते हैं, और इसी वजह से कई बार इन फौजियों को टैंक्स तक पहुंचने से पहले ही गोली लग जाती। इसलिए फौज ने इन कुत्तों के लिए खास ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिससे उनके शरीर पर बम्स बांधकर दुश्मन टैंक्स को उड़ाया जा सके। जब कुत्तों के मन से टैंक्स का डर निकल गया तो कैप्टन ने कुत्तों के शरीर पर बम बांधे, ताकि जैसे ही कुत्ते टैंक
के नीचे पहुंचे तो एंटीना के दबने से बॉम्ब धमाका हो जाए जिससे दुश्मन फौजियों के टैंक्स को तबाह किया जाएगा। यह सब देखकर वोल्कोफ का दिल बैठने लगा। प्रिंस ने उसकी जान बचाई थी और वो उसे ऐसे मिशन पर जाते हुए नहीं देख सकता था जिसमें उसकी जान जाना तय है। इसीलिए आखिरकार उसने अपना अपाहिज होने का कार्ड निकाला और मिलिट्री हेड को कार्ड देकर फौज से निकलने का फैसला किया। पर मिलिट्री हेड ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम सिर्फ एक कुत्ते के लिए अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। आखिरकार वोल्कोफ दुखी होकर अपने कमरे में आया और उसने गुस्से में अपनी बैसाख आ उठाकर चारों तरफ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। यह सुनकर नीना तुरंत कैंप पर वोल्कोफ को हौसला देने आई। आज उनका देश खतरे में है, इसीलिए हर इंसान अपनी तरफ से पूरी हिम्मत करके देश की हिफाजत करने में लगा है। नीना ने उसे समझाया कि प्रिंस सिर्फ उसका कुत्ता नहीं है, वो देश की हिफाजत करने वाला एक बहादुर फौजी भी है। अगर उनका देश हार गया तो वोल्कोफ और प्रिंस दोनों को बंदी बना लिया जाएगा। आखिरकार नीना की बातें सुनकर वोल्कोव ने फौज छोड़ने का मन बदल लिया। फिर अगले दिन ट्रेनिंग के समय उसने कर नल के हाथ से कुत्तों का खाना चुराया और दौड़कर एक टैंक के नीचे गिर गया। यह देखकर प्रिंस भी दौड़कर टैंक के नीचे आ गया। पर प्रिंस को कुत्तों के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह तो सिर्फ अपने मालिक की जान बचाना चाहता था। जल्द ही कर्नल ने प्रिंस और मिलिट्री के बाकी ट्रेंड कुत्तों को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया। अब वोल्कोफ के पास कोई और चारा नहीं था। उनके सामने जर्मन फौजियों की एक टुकड़ी और चार बड़े टैंक खड़े थे। जैसे ही जंग शुरू हुई तो कर्नल ने ट्रेनर्स को अपने कुत्तों पर बॉम्ब बांधने का हुक्म दिया ताकि वह जर्मन टैंक्स को जल्दी से तबाह कर सकें। लेकिन जैसे ही ये कुत्ते के ऊपर बॉम्ब बांधा गया, वो सीधा जाकर सोवियत टैंक के नीचे घुस गया। असल में उन्होंने कुत्तों को सोवियत और जर्मन टैंक्स में फर्क तो सिखाया ही नहीं था। जब तक कर्नल को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कुत्ता बहुत तेज था और इससे पहले कि फौजी उसे गोली मारते, वो सीधा टैंक से जा टकराया और इस जबरदस्त धमाके में सोवियत टैंक के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे कर्नल को बहुत गुस्सा आया और उसने कुत्तों की जगह उनके ट्रेनर्स को भेजने का फैसला किया। पर जैसे तैसे सबने उसे शांत किया। इसके बाद बाकी कुत्तों को भी रिहा किया गया। पहले ट्रेनर ने आंखों में आंसू लेकर अपने कुत्ते को भेजा, जो गोली की रफ्तार से दौड़कर जर्मन टैंक के नीचे घुस गया और धम से जर्मन टैंक के परखच्चे उड़ गए। यह देखकर कर्नल तो बहुत खुश हुआ, पर उस कुत्ते का ट्रेनर बुरी तरह रोने लगा। उसने अपने हाथ जोर से मुट्ठी में बंद कर लिए, क्योंकि वह अपने कुत्ते को ऐसी मौत मरते हुए नहीं देख सकता था। खैर, जंग जारी रही और कर्नल के हुक्म पर कुछ और मिलिट्री डॉग्स को भी जंग के मैदान में भेजा गया, जिन्होंने कुछ ही पलों में दूसरा टैंक भी तबाह कर दिया। पर उसी वक्त पासा पलट गया, क्योंकि अब जर्मन फौज काफी आगे तक आ चुकी थी। कर्नल कुत्ते को भेजकर तीसरा टैंक भी तबाह करना चाहता था, पर तीसरा ट्रेनर अपने प्यारे कुत्ते को यूं कुर्बान नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने ऑर्डर ना मानकर कुत्ते के शरीर से बम हटा दिया। फिर वह खुद बम लेकर टैंक की ओर भाग निकला। पर इंसान कुत्तों जैसी रफ्तार में नहीं दौड़ सकते थे, इसीलिए कुछ दूर पहुँचते ही उसे जर्मन फौजियों ने गोली मार दी। यह देखकर कर्नल ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वो खुद भी जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उधर उस फौजी ने पीछे मुड़कर अपने साथी फौजियों को देखा और एक ही पल में उसके अंदर जोश भर गया। आखिरकार वो जर्मन टैंक के नीचे आ गया और उसने अपनी जान कुर्बान करते हुए उस जर्मन टैंक को तबाह कर ही दिया। मगर इस सब के बाद भी एक और टैंक था जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके कैंप पर चारों ओर से गोलियां चल रही थी, बमबारी हो रही थी और इन्हीं धमाकों में बेचारी नीना भी बुरी तरह जख्मी हो गई। उधर वोल्कोफ ने जैसे तैसे हिम्मत करके जर्मन दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया, पर फिर उसे भी गोली लग गई। इस मुश्किल घड़ी में अचानक प्रिंस दौड़ा और गोलियों की बरसात के बीच सीधा जर्मन टैंक से जा टकराया। इसी तरह प्रिंस ने अपनी जान कुर्बान करके आखिरी जर्मन टैंक को भी तबाह कर दिया, जिससे वोल्कोव और उस पूरे सोवियत कैंप की जान बच गई। आखिरकार वोल्कोव काफी सम्मान के साथ रिटायर हो गया और प्रिंस की बहादुरी के सम्मान में पूरा शहर उसका स्वागत करने आया। तो वह अब भी प्रिंस की बहादुरी की कहानी बड़े गर्व से सुनाता था। वोल्कोव के लिए प्रिंस एक सच्चा हीरो था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश की रक्षा शाकी थी। ये एक सच्ची कहानी है। जब दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन के पास जर्मन के आधुनिक टैंक्स का मुकाबला करने का कोई उपाय नहीं था, बाद में जब सोवियत यूनियन ने भी अपने आधुनिक टैंक्स तैयार कर लिए थे, उसके बाद उन्होंने कुत्तों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। लेकिन आपका क्या सोचना है कि जरूरत की उस घड़ी में क्या कुत्तों का इस्तेमाल करना सही था, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।